मित्राणि नमो नमः सर्वेषां स्वागतं तत्र भवतां। तो मित्रों स्वागत है आप सभी का हम महाकवि भारवी द्वारा लिखित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम 14वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण करेंगे। आप सभी जानते हैं वंशस्थ छंद में संपूर्ण प्रथम सर्ग लिखा है, तो वंशस्थ छंद के अनुसार ही हम इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसकी प्रति शब्द की व्याख्या आप सभी के सामने उपस्थित करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का, आइए उच्चारण करते हैं। विधाय रक्षान् परितः परेतरान्, विधाय रक्षान् परितः परेतरान्, अशंकिताकारमुपैति शंकितः, अशंकिताकारमुपैति शंकितः, क्रियापवर्गे स्वनुजीवि सात्कृताः, क्रियापवर्गे स्वनुजीवि सात्कृताः, कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः, कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। तो मित्रों आप सभी को विदित होगा कि जो संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube के चैनल के माध्यम से आप सभी को वर्तमान में मैं अपने प्रयासों को प्रदर्शित कर रहा हूं और UGC नेट में लगे हुए विभिन्न विषयों का अध्ययन कराने का अभ्यास कर रहा हूं। तो यदि आपको इस चैनल में संस्कृत के प्रति विषयों को आपको लाभान्वित करते हैं ये विषय, तो आप चैनल की सदस्यता लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का स्वागत है। तो प्रसंग के अनुसार यही चल रहा है। जो वनेचर है वो राजा युधिष्ठिर के पास दुर्योधन की राज व्यवस्था को, किस प्रकार वो राज चला रहा है, किस प्रकार वहां के लोगों को मोहित करके अपनी उन्नति वह कर रहा है, ऐसा वनेचर दुर्योधन की स्थिति को युधिष्ठिर के पास समझा रहा है। तो उसी प्रसंग में यह श्लोक भी है। वह क्या कहता है कि जो दुर्योधन है उस दुर्योधन की संपदा, जो उसकी जो संपत्तियां हैं, उसकी जो धन संपत्ति, उसकी जो वैभवता है, अस्य संपदः, उसकी जो संपत्ति है वो कृतज्ञतां वदन्ति, कृतज्ञता को बता रही है, अर्थात अस्य कृतज्ञतां वदन्ति संपदः, जो उसके राजसभा में, उसकी राज्य व्यवस्था में जो भी वैभवशालिनी लक्ष्मी इत्यादि जो संपत्तियां हैं वो अस्य कस्य तस्य दुर्योधनस्य कृतज्ञतां, कृतज्ञता मतलब उसकी उसके द्वारा जो लोगों को उपकार किया गया है उस उपकार को बता रही हैं वो संपत्तियां, ठीक है। और वो संपत्तियां कैसी हैं, उन संपत्तियों का ही यह विशेषण है, क्रियापवर्गे स्वनुजीवि सात्कृताः संपदः अस्य दुर्योधनस्य कृतज्ञतां वदन्ति, अर्थात हम यदि वहां के धन संपत्ति इत्यादि को लोगों के पास देखें, वहां के लोगों को हम यदि धन इत्यादि से संपूर्ण देखें, सबको संपन्न देखें, तो उन लोगों की जो संपन्नता है वो संपन्नता अस्य कृतज्ञतां वदन्ति, उनकी संपन्नता से, उन प्रजाजनों के सुखी रहने से उस दुर्योधन की उपकारता हमें द्योतित हो रही है, हमें प्रतीत हो रही है कि अर्थात दुर्योधन उन लोगों पर कितनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, अपने प्रजाजनों पर कितना उपकार कर रहा है। तो वो संपत्तियां कैसी हैं वो बताया कि क्रिया अपवर्गेषु, क्रिया जो कार्य इत्यादि जो विभिन्न कार्यों को वह प्रजाजनों से करवाता है, उस क्रिया और अपवर्ग में अर्थात विभिन्न कार्यों की स्थितियों में अनुजीवी सात्कृताः,
अनुजीवों अनुजीवियों को जो उसके अनुचर हैं, जो उसके विभिन्न दूत इत्यादि महामंत्री इत्यादि हैं, उनको सात कृता, उनको समर्पित की हुई संपत्तियां हैं वो, अर्थात कार्य और अपवर्ग इत्यादि के लिए अनुजीवियों को दी गई संपत्तियां इसकी कृतज्ञता को बता रही हैं, ऐसा वह बता रहा है। कहने का मतलब है जो उसने अपने दूत इत्यादि मंत्री आदि अपने चर इत्यादियों को भृत्यादियों को नौकरों को जो भी संपत्तियां दी हैं, उनको दान पुण्य इत्यादि किया है, तो वह उसकी कृतज्ञता बता रही है। ठीक है, और इस लाइन इन दो लाइनों से हमें यह प्राप्त हुआ, और ऊपर वाले से यह है कि शंकित अशंकिताकारं उपैति, यहां पर क्रियापद क्या है, जैसे यहां पर क्रियापद था वदंती, बता रही है संपत्तियां उसकी कृतज्ञता को बता रही है, यहां है उपैति, उपैति अर्थात पास जा रहा है, पास जा रहा है, किसी चीज के करीब जा रहा है, किसी चीज को वो प्राप्त कर रहा है। कौन? शंकित, शंकित कहा दुर्योधन, वो शंकायुक्त क्यों है, क्योंकि उसने छल से राज कर रहा है, अर्थात छल पूर्वक जुए में पांडव आदियों को हरा करके अब स्वयं राज कर रहा है। तो यदि हम किसी संशयात्मक, यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उसमें हमें शंका तो होती है कि हमसे यह कहीं छिन नहीं जाए, कहीं हमें बदनामी ना हो जाए, तो इसलिए वो शंकित है, वो राज्य करता हुआ भी वह शंकित है। तो वही जो शंकित है वो अशंकिताकारम अर्थात अशंकितता को ही प्राप्त हो रहा है, अर्थात शंका वाला होकर भी वह दुर्योधन अशंकित हो रहा है। अशंकित कैसे हो रहा है वो इसके द्वारा हमें पता चलेगा, अर्थात सह संकित दुर्योधन शंकायुक्त, मतलब डरयुक्त, डर से जो डर वाला जो दुर्योधन है वह अशंकिताकारम अर्थात अशंका वाली स्थिति को प्राप्त हो रहा है। क्यों? कारण क्या है कि परितः परेतरान रक्षान विधाय, अर्थात परितः अपने चारों ओर, अपने राज्य की समस्त सीमाओं में या अपने राज दरबार के विभिन्न द्वारों पर परेतरान, परेतरान अर्थात समस्त भृत्यान मित्रवरान, समस्त मित्रों को, समस्त अपने नौकर इत्यादियों को परितः विधाय, ठीक है, मतलब जो भी उसके रक्षा करने वाले जो भी मंत्री हैं, जो सैनिक इत्यादि हैं, रक्षान रक्षा करने वाले, परेतरान कीदृशान परेतरान रक्षान परेतरान परितः विधाय, अपने चारों ओर से ऐसे सैनिकों को उसने लगा दिया है कि उन सैनिकों के की सहायता से वो शंकित होता हुए भी अशंकित है। तो वास्तविक रूप से, आंतरिक रूप से तो उसके मन में शंका है क्योंकि उसने छल से राज्य जीता है, तो फिर भी वह चारों ओर से अर्थात दृढ़ अपनी अच्छी रक्षा करता हुआ, रक्षकों को चारों ओर से लगा करके विधाय स्थापयित्वा स्थापित करके अशंकिताकारम उपैति, कहने का मतलब है चारों ओर रक्षकों को लगा करके वो शंका होता हुआ भी अशंका को प्राप्त कर रहा है, अर्थात निश्चिंत होकर राज्य कर रहा है। और दूसरा, अपने नौकरों इत्यादियों को दी हुई संपत्तियां जो हैं, जो उसने उनको दान में दे दी हैं, वो संपत्तियां उसकी कृतज्ञता को बता रही हैं। समस्त लोगों को यही पता चल रहा है कि बहुत दानी है, दानी राजा है, क्योंकि वो सभी को इससे पूर्व से पूर्व श्लोक में यही कहा गया था कि जो भी उसके पास जाता है वो बिना उसको कुछ ना कुछ दिए बिना वापस नहीं लौटाता, उसको कुछ ना कुछ दान इत्यादि वह दे देता है। तो वही जो दे देता है वही वैभव संपत्ति धन संपत्ति इत्यादि उसकी कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब उपकारता, उपकार कितना करता है ऐसा वह बता रही हैं। तो वही यह इस श्लोक में बताया गया है। यदि आपको, तो इस श्लोक में अधिक कुछ नहीं है, बस इतना हम जाने कि इस श्लोक के माध्यम से हमें इतना प्राप्त हुआ काफी है, और दुर्योधन के प्रति वनेचर कह रहा है और युधिष्ठिर को बता रहे हैं। तो यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगता है, आपको कुछ लाभ मिलता है इन कक्षाओं से, तो आप समूह से अर्थात चैनल से जुड़े, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। तो अगली कक्षा में आप सभी से मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।